मैरी इज फ्रॉम इटली, मैरी है वो इटली से है, गैब्रियल इज फ्रॉम इटली, और गैब्रियल भी कहाँ का है, इटली का है। ये दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को हमें नोट ओनली बटालसो का प्रयोग करके जोड़ना है। दोनों सेंटेंस में नोट ओनली बटालसो कंजक्शन का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है। पिछले वीडियो में भी हमने स्टूडेंट्स देखा था कि अगर हमको कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ना हो तो उसकी दो विधियां होती है। ये जो दो क्लोज दिए हैं, इन दोनों क्लोज में अगर दोनों का सब्जेक्ट भिन्न हो तो जो दिया गया कंजक्शन है उससे सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। अगर दोनों में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो तो दोनों को ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों सेंटेंस को अपन देखें, तो इस सेंटेंस में जो इज वर्ब है उसका सब्जेक्ट है मेरी, का सब्जेक्ट मेरी है, और ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट गैब्रियल है, कि दोनों क्लोज में सब्जेक्ट भी इज फ्रॉम इटली, इज फ्रॉम इटली, ये समान क्लोज है। जब कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उसमें समान जो सेंटेंस है उसको एक ही बार लिखा जाता है और भिन्न चीजों को अपन कंजक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं। अगर सब्जेक्ट भिन्न हो तो वाक्य की शुरुआत ही कंजक्शन से होगी। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है नोट ओनली मेरी, मेरी को ले लिया, बट आल्सो गैब्रियल, यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर है। नोट ओनली मेरी बट आल्सो गैब्रियल आर फ्रॉम इटली, क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्रिया वो आर ही आएगी क्या? मैं आपको बता दूं, जब दो नाउन को नोट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है, नोट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा बट आल्सो के बाद जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग आती है, यानी गैब्रियल के अकॉर्डिंग आएगी। ये तो सिंगुलर नाउन है, ये नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। बट आर कौन सी वर्ब है, आर तो प्लुरल है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन लीजिए, नोट ओनली मेरी, नहीं कि मेरी, बट आल्सो गैब्रियल वर, अरे वर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेंटेंस हमें ये सिखाता है अगर जो दो क्लोज हमको दिए हैं उसमें प्रेजेंट टेंस है तो इसमें प्रेजेंट ही रहेगा, उसमें पास्ट है तो इसमें पास्ट ही रहेगा, तो यहाँ वर की वजह से इस सेंटेंस को अपन करेक्ट नहीं मान सकते, सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लीजिए, नोट ओनली मेरी बट आल्सो गैब्रियल इज फ्रॉम इटली, देखिए अब की बात एकदम क्लियर है, के अनुसार वर्ब है वो भी सिंगुलर आ गई और फ्रॉम इटली आ गया, तो अपना जो आंसर था सी वो एकदम से करेक्ट था, और ये दो पहले दो ऑप्शन है वो किस प्रकार इनकरेक्ट है उसके बारे में हमने बातचीत की। यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट भिन्न हो उसको भी जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भिन्न हो उसको भी जोड़ा जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट का डालूंगा, देखिए दूसरे सेंटेंस में वो मिलेगा। दूसरा जो वाक्य अपना उदाहरण है वो भी नोट ओनली बट आल्सो से हमको जोड़ना है दो क्लोज को। पहला क्लोज है द पीपल आर वॉचिंग मूवी, लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। दूसरा दे आर वॉचिंग कार्टून, ये क्या देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। यानी कि दो सेंटेंस दिए, दोनों को हमें नोट ओनली, नोट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके जोड़ना है। पिछला जो एग्जांपल था उसमें सब्जेक्ट भी नहीं था वर्ब का, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए ये जो आर वॉचिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, द पीपल है, और वॉचिंग का इसका सब्जेक्ट क्या है, दे है। इट मींस पीपल की जगह अपन दे का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट है वो तो कॉमन है, तो फिर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कार्टून, ये डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि अब की बार सब्जेक्ट तो समान है बट ऑब्जेक्ट क्या है, भिन्न है, तो नोट ओनली बट आल्सो के द्वारा दो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार जोड़ते हैं। पहला एग्जांपल कहता है, आप अपना आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद में आपको हल करवाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन में से जो आंसर करेक्ट है उस पर आप टिक लगा लीजिए कि सर ये होगा, द पीपल आर वॉचिंग मूवी एंड कार्टून, क्या ये हो सकता है, द पीपल आर नॉट वॉचिंग मूवी एंड कार्टून, क्या ये हो सकता है, The people are watching not only movie and cartoon, क्या ये हो सकता है, The people are watching not only movie but also cartoon, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार सही आंसर हम निकालते हैं। not only but also के द्वारा दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, The people are
वॉचिंग, ये समान वाक्य है, पीपल आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, एक ही बात है। मूवी एंड कार्टून, इन नोट ऑन ने बट आल्सो का तो यूज ही नहीं हुआ, सेंटेंस तो करेक्ट है। अगर आपको इन दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ने के लिए कहा जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बट इस नियम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि मैं नोट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना, इसमें क्या दिया है, एंड दिया है, इट मीन्स ये पहला एग्जाम्पल, पहला जो रूट कट हो जाता है। तरह कहता है दैट पीपल आर नॉट वॉचिंग मूवी एंड कार्टून, फिर वही बात आ रखी है, यानी कि एक तो एंड आ रखा है, नोट ओनली के बाद एंड नहीं आता, बट आल्सो आता है। एक यहाँ पे जो मैंने नोट लगाया है बेटा, ये नोट नहीं आ सकता, अगर ये दोनों क्लोज सिंपल हैं तो एक क्लोज बनाएंगे, वो भी क्या बनेगा, सिंपल ही बनेगा, ध्यान रखना आप नोट का यूज नहीं कर सकते। चलिए तीन नंबर लेते हैं, द पीपल आर वॉचिंग, द पीपल आर वॉचिंग सेम वाक्य है, नोट ओनली मूवी एंड कार्टून, नोट ओनली के साथ एंड नहीं आता, नोट ओनली के साथ क्या आएगा, बट आल्सो आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, द पीपल आर वॉचिंग नोट ओनली मूवी बट आल्सो कार्टून, ये एकदम से इसका करेक्ट आंसर है। अपने दो एग्जाम्पल हमने हल कर लिए, टोटल मैं आपको 10 सेंटेंस दूंगा, 10 में से आपको देखना है कितने आप करेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, चार नंबर वाक्य, चार नंबर वाक्य को आप देख लीजिए, ही डजंट सिंग ए हिम, सी डजंट सिंग ए हिम, अब की बार आपको मिला है नाइदर नोर, नाइदर नोर का प्रयोग करके आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है, नाइदर नोर से दो क्लोज को जोड़ना है कि आप किस प्रकार इसको बनाएंगे। He does not sing a hymn, she does not sing a hymn, समान वाक्य को छांट लीजिए, इसमें देखिए does not sing a hymn, does not sing a hymn, ये तो समान वाक्य है, एक तो सी आ गया और एक क्या आ गया, ही आ गया, यानी कि वर्ब का जो अपना सब्जेक्ट है वो भिन्न है, अगर सब्जेक्ट भिन्न हो तो अपन कंजक्शन से सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद समान वाक्य को लिख देते हैं। पहला वाक्य देखिए, नाइदर लिख लिया, ठीक है, नाइदर अच्छा, नाइदर के बाद हमने क्या लिया, ही ले लिया, डिफरेंट, पहले जो सब्जेक्ट था वो आ गया, उसके बाद नोर ले लिया, नोर के बाद क्या आ गया, सी आ गया। डजंट सिंग ए हिम, क्या सही लग रहा है, नहीं बेटा, अगर आप नाइदर नोर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं ले सकते आप, क्योंकि नाइदर नोर क्या करता है, नकारात्मक भाव देता है, एक ही वाक्य में नाइदर नोर और नोट दोनों का यूज नहीं हो सकता, इट मीन्स अपन नोट नहीं लगा सकते। दूसरा वाक्य देखिए फिर, नाइदर ही नोर सी, यहां तक ठीक है, नाइदर ही नोर सी सिंग ए हिम, हिम का मतलब क्या होता है, भजन होता है, मतलब भजन होता है। अब आप देखिए कहां गलत किया, नाइदर ही नोर सी सिंग ए सॉन्ग, जितने भी कंजक्शन है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके में ये होता है कि जो नाइदर जैसे नोर, नोर के बाद जो नाउन आती है ना उसके अनुसार यहाँ वर्ब का यूज होता है, आइदर और में और के बाद जो नाउन आती है उसके अनुसार वर्ब आती है, नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो नाउन आती है उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। यहाँ पे सी सिंगुलर है बट सिंग को मैंने क्या कर दिया, प्लुरल कर दिया, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए तीन नंबर लेते हैं, नाइदर ही नोर सी वॉच सिंगिंग, नहीं, यानी कि इसमें प्रेजेंट टेंस है, आप पास्ट नहीं ले सकते, वॉच तो नहीं आ सकता। नाइदर ही नोर सी सिंग्स ए हिम, एकदम से करेक्ट आंसर, यानी कि नाइदर नोर के बाद बीच में ही और सी को रख दिया और बाद में सिंग्स ए हिम समान वाक्य को रख दिया, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है डी। हमने चार क्वेश्चन हल करनी है, पांच नंबर देखते हैं, पांच नंबर कहता है यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक फ्रेंच, पिछला नोट नाइदर नोर का ही वाक्य था, उसमें हमने वर्ब के सब्जेक्ट को भिन्न लिया था, अब की बार देखिए यू कांट स्पीक सेम वाक्य है, बट यहाँ पे क्या दे दिया, इंग्लिश, और यहाँ पे क्या दे दिया, फ्रेंच, इट मीन्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, डिफरेंट है, नाइदर नोर के द्वारा दो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट भी नो, वाक्य की शुरुआत ही कंजक्शन से होती है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी नो, पहले समान वाक्य को लिखिए, उसके बाद डिफरेंट दोनों चीजों को आप कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। पहला आंसर कहता है
यू कांट स्पीक नाइदर इंग्लिश नोर फ्रेंच, बात तो ठीक है, यू कांट स्पीक एम बाल के ले लिया, नाइदर इंग्लिश नोर फ्रेंच, बट ये वाक्य इस दृष्टि से गलत हो गया। मैंने कहा था कि नाइदर नोर वाले वाक्य में आप नोट का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज नहीं कर सकते, नोट का, इट मीन सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यू कुड स्पीक नाइदर इंग्लिश नोर फ्रेंच, ये बात तो ठीक होगी, नोट नहीं लगाया, लेकिन आप कैन का कुड तो नहीं कर सकते ना, यानी कि कैन का कुड आप नहीं कर सकते, जिस टेंस का ऊपर वाक्य दिए जाते हैं टेंस वही रहना चाहिए। चलिए तीन नंबर ऑप्शन देखते हैं, यू कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नोर फ्रेंच, एकदम से करेक्ट आंसर, यू कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नोर फ्रेंच। इस प्रकार अपने कितने एग्जाम्पल हल हो गए, पांच हो गए। चलिए छठे वाक्य की तरफ थे, छठा जो मैंने एक नया कंजक्शन डाला है आइदर और, हमें किसका यूज करना है, आइदर और का प्रयोग करना है, आइदर और का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखिए, अलेक्जेंडर में हायर ए टैक्सी, अलेक्जेंडर एक टैक्सी को किराए पे ले सकता है, जोहन में हायर ए टैक्सी, जोहन भी एक टैक्सी को किराए पे ले सकता है। समान वाक्य क्या हुआ बेटा, मे हायर ए टैक्सी, मे हायर ए टैक्सी, ये दोनों क्लोज का पार्ट है, वो सेम है, एक जैसे, मे हायर ए टैक्सी, मे हायर ए टैक्सी, तो डिफरेंट क्या हो गया, जोहन और अलेक्जेंडर, ये दोनों वर्ड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जोहन और अलेक्जेंडर को आप कंजक्शन से जोड़ दीजिए, उसके बाद सेम वाक्य रख दीजिए। चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं, और मैंने कहा है अगर सब्जेक्ट भी नो तो सेंटेंस की शुरुआत ही किससे होगी, कंजक्शन से होगी। देखिए, आइदर अलेक्जेंडर, आइदर अलेक्जेंडर और जोहन, यहां तक ठीक है, आइदर अलेक्जेंडर और जोहन यहां तक ठीक है, मे हायर्ड ए टैक्सी, यहां पे एक वर्ड गलत हुआ है। देखिए क्या गलत किया है, मैंने कहा था इस वाक्य का टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, और दूसरी बात मॉडल के बाद कभी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती तो वाक्य सही होता, वर्ब की वजह से वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, आइदर अलेक्जेंडर और जोहन, ठीक है, डिफरेंट नाउन को आइदर और से जोड़ दिया, मे हायर ए टैक्सी, मे हायर ए टैक्सी, इस पर मैं विचार करूंगा, तब तक सी और आपको बता देता हूं, आइदर अलेक्जेंडर और ही, मे हायर ए टैक्सी, आइदर अलेक्जेंडर और ही, आप जोहन की जगह अपनी तरफ से ही नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, ही नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, जोहन ही रहना चाहिए था, इट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हो गया, अपना आंसर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, प्रकार बी आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर क्या कहता है, देखिए, शीला राइट्स एन एसे, शी राइट्स ए पविन, इसका यूज करना है हमें, शीला राइट्स आइदर और का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, आइदर और का प्रयोग करना है। बाकी देखिए क्या कहते हैं, शीला राइट्स ए, शीला, सॉरी मैं कलर चेंज कर, शीला राइट्स एन एसे, शी राइट्स ए कवि, यानी कि शीला एक लेख लिख सकती है और शीला एक कविता भी लिख सकती है, यानी कि समान वाक्य क्या हुआ, राइट्स एन एसे, राइट्स एन ए पोइम, सॉरी ये डिफरेंट है, शीला की जगह सी आ गया, डिफरेंट क्या हुआ, इसमें हो गया एन एसे, एन एसे और ए पोइम क्या हो गया, अलग हो गया, और शीला की जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं, सी का, और हमको करना क्या है, किसका प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करना है आइदर और का, किसका, आइदर और का प्रयोग करके, यानी मैं यहां लिख देता हूं, आइदर और का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। पिछली बार आइदर और के लिए सब्जेक्ट भिन्न था, अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट भिन्न किया है, एन एस ए, ए पोइम, पहले समान वाक्य ले लेते हैं, शीला राइट Either an essay or a poem, वाक्य और दृष्टि से तो एकदम सही है, बट क्या शीला के बाद राइट लिखना सही है, शीला कौन सी नाउन है, शीला सिंगुलर नाउन, शीला सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, बट ये तो प्लुरल वर्ब है, इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो जाता है।
शीला राइट्स, यहां तक ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। आइदर एन एसेई और पव्यूम, देखिए कहां गलत किया, आइदर एन एसेई और पव्यूम गलत ऐसे हो गया कि आप ए पव्यूम की जगह सिर्फ पव्यूम नहीं लिख सकते, आप ए एन को छोड़ नहीं सकते, ये सेंटेंस भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहता है शीला राइट्स आइदर एन एसेई और ए पव्यूम, एकदम से करेक्ट आंसर, शीला राइट्स आइदर एन एसेई और ए पव्यूम करेक्ट आंसर है। चौथे आंसर भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें कहां गलती हुई है, शीला राइट्स एन एसेई और ए पव्यूम, शीला राइट्स एन एसेई और ए पव्यूम, शीला राइट्स आइदर नहीं लगे, यानी कि शीला राइट्स एन एसेई और सी वाक्य को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और से जोड़ेंगे तो वाक्य तो ठीक है, बट हमें किसके लिए कहा गया था, हमें कहा गया था वाक्यों को किससे जोड़ना है, आइदर और से, इस दृष्टि से इसका आंसर डी, इस दृष्टि से सही नहीं हो सकता कि आइदर और का प्रयोग करना है, सही आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आठ की तरफ, आठ नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, फटाफट चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर क्या आने वाला है आप देख लीजिएगा, सेंटेंस क्या कहता है, डेविड रिंग्स ए बेल, डेविड एक घंटी बजाता है, हाना रिंग्स ए बेल, हाना भी क्या बजाती है, घंटी बजाती है। देखिए सेंटेंस में समान पार्ट कौन सा है, समान पार्ट है रिंग्स ए बेल, रिंग्स ए बेल, डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट हो गया डेविड और एक क्या हो गया हाना, इट मींस दो हमको सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट को भिन्न दिया गया है, तो हमें एंड से सब्जेक्ट को क्या करना है, जोड़ना है, एंड से सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, जोड़ना है। चलिए एंड से सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार जोड़ेंगे, तब तक आप अपना आंसर देख लीजिए क्या होना चाहिए, एंड से जोड़ना है दोनों को। पहला वाक्य कहता है, पहला वाक्य क्या कहता है, देखिए अपने आप से आप आंसर दे दीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डेविड एंड हाना, यानी डेविड और हाना को क्या कर दिया गया, एंड से जोड़ दिया गया, रिंग्स ए बेल, क्या ये सेंटेंस सही है, हाना डेविड एंड हाना रिंग्स ए बेल। देखो बेटा जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, ये बात मैंने लास्ट वीडियोज में बताई है, मैंने बताई थी कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो नाउन कौन सा रूप धारण कर लेती है, प्लुरल रूप धारण कर लेती है, ये नाउन फ्रेज प्लुरल माना जाएगा, प्लुरल माना जाएगा तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, प्लुरल आनी चाहिए, और ये आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने से वर्ब का कौन सा रूप मिलता है हमको, इसका हमें सिंगुलर रूप मिलता है, तो प्लुरल करता सिंगुलर वर्ब भी है तो कुछ अच्छा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट को आप ही देख लीजिए क्या पढ़ रहा है, कि आंसर सही या गलत है, डेविड एंड हाना रिंग बेल, कहां गलती कर रहा हूं, यहां तो सही होगा, डेविड और हाना को जोड़ दिया, वर्ब को भी मैंने क्या कर दिया, प्लुरल कर दिया, बट क्या मैं बेल लिख सकता हूं, यहां पे देखिए ए बेल है, यहां पे क्या है ए बेल है, तो आप यहां पे बेल को ए को छोड़ नहीं सकते, ये भी इनकरेक्ट, आंसर क्या हुआ, डेविड एंड हाना रिंग ए बेल, डेविड और हाना दोनों मतलब एक घंटी को क्या करते हैं, बजाते हैं, बेल को बजाते हैं। आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आइदर द प्रिंसिपल, आइदर द प्रिंसिपल, आइदर द प्रिंसिपल, नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है, आइदर द प्रिंसिपल एन इंटेलिजेंट मैन, यानी कि आपको ब्लैंक के रूप में पूछा गया है, इसमें एंड आएगा, नोर आएगा, और आएगा, बट आल्सो आएगा, बड़ा इजी प्रश्न है बेटा, चुटकियों में उत्तर देने वाला है, फटाफट दे दीजिए, इतना देखना है बस कि यहाँ पे शुरुआत किससे हुई, आइदर से, अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत आइदर से है तो आइदर के पेर में क्या आता है, एंड आता है, नोर आता है, और आता है, बट आल्सो आता है, फट कहेंगे सर और आता है, क्या आता है, और आता है, आइदर द प्रिंसिपल और एन, आइदर द प्रिंसिपल, आइदर द प्रिंसिपल सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रक्चर दो लिखने में थोड़ी गलती हुई, लेकिन आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है, आइदर द प्रिंसिपल और इंटेलिजेंट मैन, सॉरी ठीक, आइदर द प्रिंसिपल और एन इंटेलिजेंट मैन हैज रीच्ड, सही है, मैंने पहले ये देखा नहीं था कि आइदर द प्रिंसिपल की प्रिंसिपल और जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, सॉरी सेंटेंस करेक्ट है, मैं पहले नेक्स्ट सेंटेंस को देख नहीं पाया था, तो ये अपना आंसर हो जाता है कि आइदर के पेयर में क्या रहता है, और रहता है, ये आंसर अपना सही हो गया सी। चलिए अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 10 नंबर की, 10 नंबर में क्या आंसर आएगा फटाफट देख लीजिए, क्योंकि आपको तरीका तो मैंने बता दिया किस प्रकार आपको यूज लेना है, तो आप बताइए, वाक्य कहता है
नोट ओनली हिटलर, नोट ओनली हिटलर, नहीं कि हिटलर, नोट ओनली हिटलर, नहीं कि हिटलर, मुसोलिनी वॉज ए ट्रिवल पॉलिटिशियन, नहीं कि हिटलर, जबकि मुसोलिनी भी क्या था, निर्दयी शासक था, निर्दयी राजनीतिज्ञ था, जिसकी नीतियां बहुत खराब थी। अब आपको ये बताना है इसमें और आएगा, बटालसो आएगा, नोर आएगा, या एज वेल एज आएगा। फटाफट आंसर दे दीजिए। आपको पता है नोट ओनली का पेयर किसके साथ रहता है, बट आल्सो के साथ रहता है। नोट ओनली का पेयर बट आल्सो के साथ रहता है। इस प्रकार मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन की एक सीरीज रखी, कंजक्शन से संबंधित सबके सब सेंटेंस थे। आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, कंजक्शन के कुछ और डिफिकल्ट जो आपकी पहेलियां हैं, जो पजल है, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी चीज आपके 10% में से दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी चीज पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।